हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस स्केड्यूल की मदद से इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली बात बोली गई है इंडिफरेंस कर्व में वो ये कि एन इंडिफरेंस स्केड्यूल रेफर्स टू अ स्केड्यूल that shows various combination of two goods which give equal amount of satisfaction to the consumer। देखिए curve जो है उसे हम indifference schedule की basis के ऊपर बनाते हैं और इन्होंने सबसे पहली बात यही समझाई है कि indifference schedule किसे कहते हैं। एक indifference schedule एक schedule होता है जो क्या show करता है, various combinations of two goods जो consumer को equal level of satisfaction देता है। ठीक है, एक indifference schedule की मदद से हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं और इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या शो करता है, वो एक ऐसा स्केड्यूल होता है, ठीक है, एक ऐसा टेबल होता है जो किसी भी कंज्यूमर को वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बराबरी से उस कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला, सिंस ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस गिव्स द हाउसहोल्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन द हाउसहोल्ड इज इनडिफरेंट अमंग देम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग, इनडिफरेंट का मतलब जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसा कर्व जो डिफरेंट नहीं है, जो सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अपने कंज्यूमर्स को देता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सिंस ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन गिव्स द हाउस होल्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये जो कॉम्बिनेशन दिए गए थे ये कंज्यूमर्स को बराबरी का सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा द हाउस होल्ड इज इनडिफरेंट अमंग देम, तो जो हाउस होल्ड है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि इनडिफरेंट का जैसे डिफरेंस होता है जिसमें डिफरेंट मतलब अलग अलग, इनडिफरेंट का मतलब सिमिलर, मिलता जुलता, तो मिलती जुलती सेटिस्फेक्शन मिलती है इन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को। आइए हम इनडिफरेंस कर्व को इनडिफरेंस स्केड्यूल की मदद से समझते हैं। कॉम्बिनेशन ये ए बी सी डी चार कॉम्बिनेशन है हमारे पास, फूड और क्लॉथिंग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक यूनिट फूड लिया, 12 यूनिट क्लॉथिंग लिया, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन दूसरे में होगा। हमने दूसरे में फूड की 2 यूनिट लिए और क्लॉथिंग का 6 यूनिट लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, जहां पे एक यूनिट ये बढ़ गया, तो ये आ गया हमारा रेशियो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 6:1। ये 6 यूनिट यहाँ से सेक्रीफाइस किया गया और 1 यूनिट यहाँ पे हमने गेन किया। ठीक है, उसके बाद फिर एक यूनिट और बढ़ा हमारा फूड में और 2 यूनिट हमारा क्लॉथिंग में और कम हो गया, तो ये यहाँ पे कितना कम हुआ, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट यहाँ आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 यूनिट हमने सेक्रीफाइस किया, तो ये एक यूनिट यहाँ पे फूड में इंक्रीज हो गया। लाइकवाइज आगे फूड में एक यूनिट और बढ़ा और हमने क्लॉथिंग में एक यूनिट और सेक्रीफाइस किया, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1, 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 1 गेन कर रहे हैं। नीचे उन्होंने बोला, एंड इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स या टू कॉमोडिटीज व्हिच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स, जो अपने कंज्यूमर्स को बराबरी लेवल का सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, अब इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ए, तो यहाँ पे जो ए वाला कॉम्बिनेशन था जहां पे एक यूनिट फूड का था और 12 यूनिट क्लोदिंग का था, तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे फूड की बात की गई है और वाई एक्सिस पे क्लोदिंग की बात की गई है। ठीक है, इन्होंने एक्स एक्सिस को एफ बोला है फूड और वाई एक्सिस को सी बोला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एफ सी लिखने की जगह आप एक्स वाई जरूर लिखिएगा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमेशा एक्स होता है, जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमेशा Y होता है, तो Y पे हमेशा क्लोदिंग लीजिए, X पे हमेशा फूड लीजिए और इनके कॉम्बिनेशन को आप स्केड्यूल को आप ग्राफ के मदद से शो कर दीजिए। तो पहला कॉम्बिनेशन आपने देखा A वाला, जहां पे एक यूनिट फूड है और 12 यूनिट क्लोदिंग है। दूसरा यूनिट आप देख सकते हैं B वाला कॉम्बिनेशन, जहां पे एक यूनिट फूड बढ़ा और 6 यूनिट क्लोदिंग कम हो गया। सो एज आगे इन्होंने कंटिन्यू किया, तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस स्केड्यूल। I just hope and believe कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस स्केड्यूल की मदद से बनाया जाता है, जहां पे एक पर्टिकुलर हाउसहोल्ड को दो अलग अलग कॉमोडिटीज की या गुड्स की एक ऐसी कॉम्बिनेशन दिया जाता है जहां पे वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें वो हाउसहोल्ड बेसिकली सेटिस्फाई होता है, उसको ज्यादा यूटिलिटी गेन होती है। ठीक है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है।
ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, और इंडिफरेंस ग्राफ जो है ना वो क्या होता है। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।